अग्नेव्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मेराध्यताम् इदमहमन्त्रितात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो रामायण की बाल कांड का षष्ठम सर्ग हम पढ़ रहे थे कल, और पंचम सर्ग में भी और षष्ठ सर्ग में भी उस समय की प्रजा की जो स्थिति है अलग अलग दृष्टिकोण से, तो उसका वर्णन किया जा रहा है। और माने हर दृष्टि से, जो चाहे वो चरित्र की दृष्टि से, विद्वत्ता की दृष्टि से, धन धान्य की दृष्टि से, संसाधनों की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, हर दृष्टि से बहुत ही सुसंपन्न है उस समय देश की स्थिति। और उसमें भी अयोध्या तो साक्षात स्वर्ग की अमरावती की तरह ही दिखाई देती है। वहाँ के लोगों का शील, वहाँ के लोगों का पुरुषार्थ, और दूसरों के धन का लालच न करना, अपने अपने धन उसमें संतुष्ट रहना। तो यहाँ तो इन्होंने, यहाँ तक महर्षि वाल्मीकि जी ने उपमा दे दी नगर निवासियों की कि मुदिता शील वृत्ताभ्याम महर्षय इव अमलाहा। वहाँ के जो निवासी हैं अमलाहा, मल रहित हैं, महर्षय इव, महर्षियों की तरह, ऋषियों की तरह नहीं, महर्षियों की तरह। ऋषि से भी बड़ा होता है महर्षि, महान चासव ऋषि, माने ऋषि, ऋषित्व को प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है, और फिर उससे भी आगे हो जाता है महर्षि। तो इन इन लोगों के शील और इनकी वृत्ति, वृत्ति मतलब व्यवहार, शील वृत्ताभ्याम, इनका आचरण, इनका चरित्र और इनका व्यवहार ऋषियों की तरह से पवित्र है, मल रहित है। इसलिए वो सब कैसे हैं, मुदिताहा, सब पुण्य आत्माएं हैं, इसलिए हर्षित रहते हैं। तो जहाँ योग दर्शन में भी तीन प्रकार के भाव जो बताए हैं महर्षि पतंजलि ने, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावना तस् चित्त प्रसाद चित्त प्रसादनम, तो वहां पर चार प्रकार की भावना बताई, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा, उपेक्षा भावना नहीं होती है। तो वो किसके प्रति, सुख दुख पुण्य अपुण्य, सुखी लोग हैं उनके प्रति मित्रता की भावना, दुखी हैं उनके प्रति करुणा की भावना, और जो पुण्य आत्मा है, माने जो पुण्य आत्मा होते हैं ऋषि महर्षि ब्रह्म ऋषि, उनको पुण्य आत्मा कहते हैं। तो उनको देख करके मुदित होना, हर्षित होना, मुदहर्षी, क्योंकि वो जीवन का सर्वोत्कृष्ट प्राप्तव्य है, और वो जिन्होंने प्राप्त किया है। तो यहाँ पर इसलिए मुदिता कहा, क्योंकि ये सब के सब नगर नगर निवासी कैसे हैं, महर्षियों जैसी पुण्य आत्माएं हैं, उन्होंने, उनके चित्त में कोई मल नहीं है किसी के प्रति, तो सब हर्षित हैं। ना कुंडली ना मुकुटी ना स्रग्वी ना अल्प भोगवान, कोई ऐसा नहीं है जिनके पास कुंडल आदि आभूषण ना हो, सब वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित हैं। न अमुकुटी, कोई ऐसा नहीं है जिसके सर पर मुकुट ना हो, तो मुकुट योग्यता का प्रतीक होता है। तो किसी न किसी विद्या में सब निपुण हैं, और शायद वो छोटे मुकुट पहनने का प्रचलन भी रहा होगा प्रजा में, राजाओं के तो बड़े मुकुट होते हैं, और जो राज दरबार में काम करने वाले जो थे राजपुरुष, उनके थोड़े छोटे मुकुट होते हैं, और सामान्य जनता में भी शायद ये प्रचलन रहा होगा। तो उस मुकुट का ही फिर छोटा रूप आकर के महिलाओं में वो कुछ यहाँ लगाते हैं, टीका
बोरला, अलग अलग जगह उसको अलग अलग आभूषण कहते हैं। तो उस समय लाखों वर्ष पहले शायद मुकुट रखने का प्रचलन रहा होगा, या उस समय सोना ज़्यादा था, सोना चांदी हीरे मोती आदि, तो इसलिए भी शायद बड़े आभूषण पहनते होंगे। अभी उसकी कमी आ गई तो छोटा पहनने लग गए हैं। और दूसरा मुकुट जो है वो प्रतिष्ठा का प्रतिनिधि होता है। तो किसी न किसी विद्या में सब निपुण थे, कोई विद्वान था तो कोई पराक्रमी है तो कोई ज्ञानी है तो कोई सेवक है, धर्मात्मा है, भक्त है, किसी न किसी में, कोई अश्व चलाने में, कोई युद्ध लड़ने में, किसी न किसी विद्या में सबको कोई ना कोई महारत। न अविद्वान, ऐसे आया था ना पहले कि वहाँ प्रजा में कोई भी अविद्वान नहीं है, सबके सब विद्वान हैं। 8वें श्लोक में आया था, द्रष्टुम शक्यम अयोध्यायाम ना विद्वान न च नास्तिक। अयोध्या में कोई नास्तिक या अविद्वान व्यक्ति देखा नहीं जा सकता, माने है ही नहीं तो देखा कहाँ से जाएगा। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि कोई भी कुंडल आदि आभूषणों से रहित नहीं है, सबके पास पर्याप्त आभूषण हैं। कोई भी मुकुट से रहित नहीं है, न अमुकुटी न अश्रग्वी, पुष्पाहार आदि सब पहन के रखते हैं तो वो भी सम्मान का ही सूचक है। न अल्प भोगवान, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके पास झुग्गी झोपड़ी हो, भोग के संसाधन कम हो, सबके पास पर्याप्त हैं। न अमृष्ट, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास साफ सुथरा वस्त्र आभूषण आदि ना हो, जो गंदा मैला कुचेला रहता हो, ऐसा कोई नहीं है। न अमृष्ट न लिप्तांग, ऐसा भी कोई नहीं है जिसने अपने अंग प्रत्यंगों के ऊपर हर्बल कोई सुगंधित द्रव्य ना लगाई हो। तो वह ये भी प्रचलन, ये तो आज भी है लेकिन आजकल केमिकल वाला है, तो उस समय ऐसे हर्बल रहे होंगे। न असुगंधश्च विद्यते, कहीं दुर्गंध का तो नामो निशान ही नहीं है, जहाँ कहीं भी जाएं तो वहाँ सुगंध ही सुगंध दिखाई देती है। चंदन आदि का लेप करने की हमारी आयुर्वेद में भी इसका विधान है, तो उससे शरीर में शीतलता भी बनी रहती है और हल्की गंध भी बनी रहती है। और ऐसे पेड़ पौधे भी लगाने का, जैसे मोगरा आदि है या रात की रानी है, तो ये ऐसे पुष्प हैं, हार श्रृंगार है जिसको पारिजात कहते हैं, स्वर्ग का पौधा। तो शाम होते ही वो अपने महक से सारे वायुमंडल को सुवासित कर देते हैं, और खास करके इस बारिश काल में। तो उस समय वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं या सोने वाले जब रात को सोते हैं तो बहुत गहरी नींद, तो उनको उनको देख करके ही फिर हमारे यहाँ अगरबत्ती धूप बत्ती बनाने का प्रचलन शुरू हुआ। प्रकृति को देख करके मनुष्य ने वैसा बनाया कि जिनके पास, जो शहर में रहते हैं, जिनके पास ये पेड़ पौधे लगाने के लिए स्थान नहीं है, तो वो फिर इनके फ्लेवर वाली वो धूप बत्ती जला करके ही अपने मन को खुश कर लेते हैं। भगवान को खुश करने के लिए जलाते हैं वो, तो भगवान तो पहले से ही खुश हैं। तो उनमें बस ये ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा केमिकल वाली लेने से फिर वो सुगंध तो आती है लेकिन नुकसान भी हो जाता है, अस्थमा आदि भी हो जाते हैं। तो ये हमारी बहुत पुरानी प्राचीन पद्धति है सुगंधित द्रव्यों की। और हम वेद मंत्र में भी जैसे हवन आदि भी करते हैं, तो वहाँ सामग्री का जो विधान है वो मिष्ट पुष्ट आयुवर्धक, ये तीन गुण वाली होनी चाहिए। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, सुगंधित भी हों वो और पुष्टि को बढ़ाने वाली भी हों, माने उनमें औषधीय गुण भी इतने हों कि जैसे ही वो धुआं प्राण के माध्यम से अंदर जाता है तो अनेक रोगों का वैसे ही नाश कर देता है। जैसे आजकल कोरोना फैला है, तो यद्यपि पतंजलि ने उसकी दवा भी तैयार कर दी है, योग तो रोज़ सिखा ही रहे हैं स्वामी जी महाराज, वर्षों से सिखा रहे हैं, लेकिन अब 3 महीने से कुछ विशेष सिखा रहे हैं, रोजाना 6-7 घंटे वो योग के लिए ही दे रहे हैं। तो पहले 3 घंटे देते थे, अभी जस्ट डबल हो रखा है। फिर आयुर्वेद का भी निकाल दिया, उसके साथ साथ यज्ञ भी, हमारे यहाँ तो रोजाना कम से कम 25 से 30 किलो घी का हवन रोज होता है, अलग अलग अपने जो इकाइयाँ हैं संस्थान की वहाँ पे, और पूरे संगठन को यदि
और अपने पूरे जो स्वामी जी महाराज के भक्तजन हैं उनको यदि मिलाएं तो क्विंटलों केजी का हवन रोजाना देश में होता है। तो उनमें यदि ये स्वसारी आदि जो औषधियां हैं जिनसे अभी कोरोनिल बनाया है, ये औषधियां यदि उसके साथ घी के साथ मिला करके, सामग्री के साथ मिला करके यदि हवन कुंड में डाली जाएं और वहाँ उस व्यक्ति को बिठाया जाए तो वो सीधा प्राण में जा कर के बहुत जल्दी इफेक्ट करती है फिर, क्योंकि खाने से तो पहले उसका रस आदि, रस रक्त आदि धातुएँ बनेंगी, तो उसमें थोड़ा प्रोसेस है, उसमें आपको रक्त तक जाते जाते कम से कम 24 घंटे लग जाएंगे, लेकिन जब हम हवन करते हैं तो प्राण के माध्यम से वो सीधा प्राण के साथ जा कर के रक्त में घुल जाता है, क्योंकि रक्त को चलाने वाला प्राण है, और प्राण जा कर के जब रक्त के साथ मिक्सअप होता है तो वो औषधि से युक्त प्राण होता है। तो यज्ञ का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो वहाँ पर इस प्रकार का वायुमंडल था अयोध्या नगरी में। आगे कह रहे हैं, नामृष्ट भोजी ना दाता नाप्यनंग निष्कृत ना हस्ताभरणो वापी दृश्यते नाप्यनात्मवान नाना हिताग्नेर्नयज्वा न क्षुद्रो वा न तस्करः कश्चिदासीद् अयोध्यायां न च वृत्तो न संकरः स्वकर्म निरता नित्यं ब्राह्मणा विजितेन्द्रियाः दानध्यनशीलाश्च संयताश्च प्रतिग्रहे। नामृष्ट भोजी न अदाता, कोई भी अमृष्ट भोजी नहीं है। मृष्ट मतलब शुद्ध, साफ सुथरा, अमृष्ट माने अशुद्ध, अशुद्ध भोजन खाने वाले, तामसिक आहार करने वाले कोई भी नहीं है। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि जैसा व्यक्ति का आहार होता है वैसा ही फिर उसका विचार होता है, व्यवहार होता है, वैसा ही फिर उसका संसार होता है। तो शुरुआत आहार से होती है, क्योंकि हमारे आहार का ही सूक्ष्म भाग जो है वो हमारे व्यक्तित्व का पार्ट बनता है। तो इसलिए कहावत है, यद्यपि मन तत्व आहार से नहीं बना है, मन तो सूक्ष्म है, मन तो अहंकार से बना है, लेकिन फिर भी ऐसे कहा जाता है जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, क्योंकि मन के ऊपर उसकी सात्विकता या राजसिकता या तामसिकता की जो वाइब्रेशंस है उनका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शरीर का और मन का बहुत गहरा संबंध है। शरीर में कुछ घटित होता है अच्छा या बुरा, तो उसका प्रभाव मन पे भी पड़ता है, और मन में कुछ अच्छा बुरा घटित होता है उसका प्रभाव शरीर पे भी पड़ता है। जैसे शरीर में रोग आता है, शरीर बीमार होता है, तो मन भी फिर अप्रसन्न हो जाता है, खुश नहीं रहता है मन भी, तो रोगी प्राय चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। शरीर रोग तो शरीर में आया था, मन में नहीं आया था, लेकिन शरीर का प्रभाव मन पे भी पड़ जाता है। और जब हम व्यायाम प्राणायाम आदि करते हैं और शरीर हमारा चुस्त दुरुस्त रहता है, और खाना भी हमने शरीर में डाला था, हम सात्विक आहार लेते हैं, तो फिर मन भी प्रफुल्लित रहता है। जैसे सोता तो शरीर है, तो जिस दिन शरीर अच्छे से सोता है तो मन भी प्रसन्न रहता है, जिस दिन शरीर अच्छे से इसको नींद नहीं मिलती है तो फिर मन भी उतना खुश नहीं रहता है। तो शरीर का सीधा सीधा प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है। जैसे शरीर ऐसे स्थिर आसन में बैठता है तो फिर मन भी स्थिर हो जाता है, और जब शरीर हिलता डुलता रहता है तो मन भी हिलता डुलता रहता है फिर। तो ये हो गया शरीर का मन के ऊपर प्रभाव, मन का भी शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जिस दिन कोई ऐसी उपलब्धि हो गई हो, हमारा रिजल्ट आ गया है, या घर में कोई नया अतिथि आ गया है, या बिजनेस में कोई फायदा हो गया है, या हमारी सैलरी बढ़ गई, कोई प्रमोशन हो गया है, कोई भी नई खुशी हमारे जीवन में आती है, तो हमारा मन खुश होता है। मन खुश होता है तो शरीर में भी ऊर्जा रहती है, शरीर में भी थकान मालूम नहीं होती, अपने आप पैर उठने लगते हैं, व्यक्ति थिरकने लगता है जब मन खुश होता है। और मन किसी भी कारण से यदि दुखी हो जाए, किसी ने हमारा अपमान कर दिया, किसी ने हमारे ऊपर कोई आरोप लगा दिया, किसी ने हमें
अन्य किसी कारण से हमारे मन को दुखी कर दिया, कोई झगड़ा कर दिया, हमें देख करके उसने कोई घृणा का द्वेष का भाव प्रदर्शित कर दिया, तो हमारा मन दुखी होता है और उस दुखी मन का प्रभाव शरीर पे भी पड़ता है। मन मन जब टूटा हुआ सा होता है तो शरीर भी टूटा हुआ सा ही होता है, उससे भी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती है। तो मन का और आहार का बहुत गहरा संबंध है, इसलिए यहाँ पर आहार के ऊपर गीता में भी बहुत बल दिया। वहाँ भी बताया कि तीन प्रकार के आहार हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो जो जिसमें रसों की मात्रा अधिक होती है, जिसमें स्निग्धता होती है, चिकनापन होता है, जो फ्रेश होते हैं, जो अहिंसक तरीके से कमाए जाते हैं, जो मिष्ट पुष्ट होते हैं, उन आहारों को सात्विक कोटि में गिना जाता है। और जो अत्यंत तीखे या खट्टे या बहुत तड़कीले भड़कीले इस तरह के जो होते हैं, जो खाने में थोड़े अच्छे लगते हैं लेकिन परिणाम में विष जैसे दुख दर्द देने वाले होते हैं, सात्विक आहार ऐसे होते हैं कि कई बार खाने में बहुत ज़्यादा वो ऐसे चटपटे से और जिह्वा को खुश करने वाले भले ना हों, लेकिन परिणाम उनका होता है अमृत जैसे। और एक तीसरा फिर तामसिक भोजन बताया, वो तो असुरों का होता है, तो मतलब मांसाहार और मद्यपान आदि जो करते हैं तो वो तो बहुत ही, ना उसका आदि में कोई टेस्ट है और ना मध्य में कोई फायदा है और ना अंत में उसका कोई अच्छा परिणाम आता है। तो आहार की महिमा बहुत हमारे प्राचीन ग्रंथों में गाई गई है, यहाँ रामायण में भी उसका आ गया। न मृष्ट भोजी, कोई भी बुरा आहार लेने वाला, अशुद्ध राजसिक या तामसिक आहार लेने वाला नहीं है, सब शुद्ध सात्विक आहार खाने वाले हैं। ना मृष्ट भोजी, ना दाता, न अदाता, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो दान ना देता हो। ये पहले भी आया था कि कोई कम दान देने वाला नहीं है, ऐसे आया था पहले। खूब उदार हृदय से लोग दान करते हैं, तो यहाँ पर भी न अदाता, कोई ऐसा नहीं है जो देने वाला ना हो, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, राजा की जैसी प्रवृत्ति होती है प्रजा में भी, फिर वो ही संस्कार धीरे 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 फैलने लगते हैं। घर के जो मुखिया होते हैं उनका जिस प्रकार का जीवन होता है तो धीरे धीरे उस घर के जो बच्चे हैं उनमें भी वही संस्कार डेवलप होने लगते हैं। किसी संगठन संस्थान का जो मुखिया होता है उसका जैसा चरित्र होता है, जैसी उसकी जीवन शैली होती है, तो धीरे धीरे फिर उनके नीचे उनके शिष्यों में और उनके आसपास रहने वाले लोगों में वो चीज़ें स्वतः ही ट्रांसफर हो जाती हैं। तो यहाँ के, क्योंकि राजा भी बड़े उदार हैं और सब कुछ है अपने पास, तो ये बहुत बड़ा विज्ञान है। जितना व्यक्ति देता है, उदार होता है, उतना उसके पास और आता है, और जितना व्यक्ति अपनी मुट्ठी को बंद करता है उतना उसकी मुट्ठी में था वो भी छीन लिया जाता है। न अदाता, तो कोई भी यहाँ ऐसा नहीं है जो दान ना करता हो। तो ज़्यादा, ये वेदों में भी कहा कि ज़्यादा पाने का एक ही रहस्य है, देना सीखो। जो जितना ज़्यादा उदार होता है उतना भगवान उसको भर देता है, और हमने ये महाराज जी के जीवन में देखा। मैं तो पिछले लगभग 30 वर्ष से महाराज जी को बहुत नज़दीक से देख रही हूँ। तो जब दिव्य योग मंदिर कनखल में महाराज जी रहते थे, 95 में संन्यास लिया था, उससे भी पहले से मैं जुड़ी हुई हूँ, तो उस समय तो कई बार महाराज जी ये कहानी सुनाते भी हैं कि हमारा वहाँ जो है एक लैट्रिन का एक खड्डा था 5 फीट का, और वो ईंट से चिना हुआ था, पक्का था नीचे से, तो उसमें पानी डालते थे तो वो नीचे जा भी नहीं सकता ज़मीन में, और वैसे भी वहाँ पानी का लेवल ऊपर है तो वैसे भी ज़मीन में उसकी आवश्यकता नहीं है पानी की, तो वो भर गया। तो फिर पूछा किसी से कि जो उसको साफ़ करने वाले हैं कि भाई हमें ये खड्डा साफ़ करवाना है, तो उन्होंने कहा कि जी 1100 रुपये लगेंगे, और उस समय महाराज जी के पास 1100 रुपये भी देने के लिए नहीं थे। उस समय मैं एमए कर रही थी, 97 की बात है, और उस समय हम लगभग 25 विद्यार्थी वहाँ पढ़ते थे, और महाराज जी हम सबका रहने का खाने पीने का सब प्रबंध महाराज जी देखते थे, तो इतने विद्यार्थियों का देखभाल करना,
और कमाई का तो कोई भी सोर्स नहीं था उस समय। तो बस महाराज जी कहीं यज्ञ हवन किया, कहीं प्रवचन दिया, उससे जो दान दक्षिणा मिली, या आचार्य जी अपना आयुर्वेद की सेवाएं इन्होंने शुरू कर दी थी, लेकिन वो फ्री में देते थे उस समय, ना कोई डॉक्टर की फीस थी। डॉक्टर की फीस आज भी नहीं है, पूरे देश में हमारे लगभग 10,000 डॉक्टर हैं जिनको पतंजलि से सैलरी दी जाती है, लेकिन उन वो डॉक्टर मरीज से कोई फीस नहीं लेते हैं। यद्यपि कुछ लोगों ने ये सुझाव दिया कि जी एक मरीज से कम 10 रुपये भी मिनिमम लें, 10 रुपये तो कुछ भी नहीं होता है, तो रोजाना के 10,000 हमारे वो हैं डॉक्टर हैं, तो रोजाना का कम से कम 10 10 रुपये भी लें तो 1 लाख रुपये होता है, तो महीने में 30 लाख रुपये आमदनी होती है मात्र 10 रुपये से। आजकल तो सामान्य डॉक्टर भी 150 रुपये से नीचे मरीज को अटेंड नहीं करते हैं, लेकिन स्वामी जी महाराज का ये है कि जब हमारा पूरा ये सेवा के लिए ही है। यद्यपि कई बार डॉक्टरों ने कहा कि जो दिखाने आते हैं ना वो गंभीर नहीं होते हैं, वो मतलब उनसे यदि हम फीस लें तो वो बहुत गंभीर होंगे रोगी। अभी तो कोई भी ऐसे मार्केट में चलते चलते हमारे पास आ जाते हैं, बोल जी मेरा बीपी जरा नाप दो, मेरा शुगर नाप दो, मेरा ये मेरे को थोड़े चक्कर आते हैं, कुछ बता दो, बोल ऐसे ही आ जाते हैं, क्योंकि उनको ये पता है यहाँ कोई फीस तो लगनी नहीं है, तो उनमें गंभीरता नहीं होती है। अगर आप थोड़ा रखें तो अच्छा है। तो खैर उस समय आचार्य जी कोई फीस नहीं लेते थे और दवा भी उस समय फ्री ही देते थे, तो कोई राम का बंदा ठीक होकर के अपनी इच्छा से कोई दान दक्षिणा दे जाए तो वो उससे सब चलता था। तो मैं ये बताना चाह रही थी कि ऐसा समय था कि जिस समय बहुत ज़्यादा आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं था, संपन्न क्या बिल्कुल ही नहीं था, 1100 रुपये भी देने को नहीं है। तो मेरे को याद है कि महाराज जी ने खुद अपने हाथों से वो टॉयलेट का खड्डा छांटा था, मैंने देखा अपनी आंखों से। लेकिन मन इतना उदार था कि जब 20-25 ब्रह्मचारी वहां रह रहे थे, मैं भी वहां पढ़ रही थी उस समय में कर रही थी, तो उस समय भी महाराज जी कभी भी हमें ये जताते नहीं थे अपनी वाणी से या व्यवहार से कि देखो मैं तुम्हारे लिए कमा के लाता हूँ और तुम्हें अच्छे से पढ़ना चाहिए, या कभी डांटना, या तुम नहीं पढ़ते हो, या आलस से प्रमाद करते हो, या वो खड्डा छांटने के लिए भी लगा दें, ऐसे कभी नहीं देखा मैंने। मतलब जिस दिन ब्रह्मचारियों ने कह दिया कि महाराज जी आज तो देसी घी की जलेबी खाने को मन कर रहा है, तो उस दिन वो ही बनवा दी, आज तो हमारा दाल बाटी चूरमा खाने को मन कर रहा है, उस दिन वो ही बना दिया। इतना उदार हृदय, तो जहाँ इतनी उदारता होती है 100% खर्च कर देते थे, एक पैसा अपने लिए कभी बचाया नहीं, कोई अकाउंट तो कभी खोला ही नहीं। तो इसलिए भगवान ने सब तरफ से फिर इतना दिया, क्योंकि सारा लुटा दिया ना, तो जो सब कुछ सेवा में लगाता है उसको सब कुछ मिलता है। और महाराज जी की मन की टेंडेंसी आज भी वही है, आचार्य जी की भी वही है, मतलब जितना भी आता है वो पूरा का पूरा उसमें भी कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर से मिला के उसको सेवा में लगाना चाहते हैं, किसी ना किसी सेवा में, जिसके स्थायी रूप से लंबे समय तक समाज को लाभ हो सके। तो देखो अब ये पिछले लगभग 2 दशक में पतंजलि ने डायरेक्ट रूप से लाखों लोगों को रोजगार दिया है। एक सन्यासी जो खुद बेरोजगार होता है, उस व्यक्ति ने लाखों लोगों को रोजगार दिया है, और उस रोजगार में 5 लाख रुपए से लेकर के और 10,000 रुपए तक, या 10 लाख रुपए से लेके 10,000 रुपए तक सैलरी है, जैसी जिसकी योग्यता है। ऊंचे से ऊंचे पद पे भी लोग यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, और 10,000 से तो शुरू होती है बेसिक। और इनडायरेक्ट रूप से जिनसे हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, जैसे आंवला, एलोवेरा आदि से जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, गोमूत्र आदि से, तो वो किसानों से ही खरीदा जाता है, या आटा आदि, दाल आदि, चावल आदि जो लाते हैं उसको भी किसान ही उगाते हैं। तो इनडायरेक्ट रूप से कम 5 लाख लोगों को रोजगार दे रखा है। तो ये उदारता का परिणाम होता है, जो व्यक्ति उदार होता है तो वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इतने लोगों के घर में दिया जलाने के निमित्त बन जाते हैं, इतने लोगों के बाल बच्चों का पेट पालने में वो व्यक्ति निमित्त बन जाता है, और जो पकड़ना चाहता है उसके पास से भगवान वो भी वापस ले जाता है। तो हमारे यहाँ वेदों में तो ये विधान किया है कि यदि आप 100 रुपये कमाते हैं
तो 90 रुपए आप अपने लिए रख लें, 10 रुपए आप अलग से एक कोई डिब्बा बना लें, कोई एक बॉक्स बना लें, कोई आप गुल्लक बना लें, कहीं भी आते ही उसको अलग से निकाल देना है आपको 100 में से 10। अगर आप अपने जीवन में समृद्धि चाहते हैं तो भले ही आप कितने भी गरीब क्यों ना हैं तो भी आपको 10 अंश जरूर दान देना चाहिए। और पहले तो घरों में वो दान की एक वो बॉक्स बना के रखते थे, बच्चों के गुल्लक बना के रखते थे कि उसमें इतना डालना ही है। आज भी कुछ ऐसे संगठन हैं कि वो रोजाना अपने उस संगठन के नाम से 1 रुपया निकालते हैं। उन्होंने कह रखा है कि भाई जो भी इसका सदस्य है इस संगठन का, तो वो रोजाना 1 रुपया इसके लिए जरूर निकालेंगे। तो मानो कि उनके लाखों सदस्य हैं, तो लाखों रुपए रोजाना इकट्ठे हो जाते हैं। जो कहते हैं ना हम तो दान मांगते ही नहीं हैं, तो फिर भी ये इतना बड़ा काम कैसे चलता है? तो दान वैसे नहीं मांगते, इनडायरेक्ट रूप से मांगते हैं। तो अगर 1 महीने में 30 रुपए एक व्यक्ति निकाले और लाखों हैं, तो 30 लाख रुपए हो गए। तो थोड़ा थोड़ा करके ऐसे पुण्यों को बढ़ाया जाता है। तो दशांश तो जरूर देना चाहिए, उसके बिना तो फिर वेद भी कहता है और गीता भी कहती है केवलाघो भवति केवलादि। फिर अगर जो पूरा का पूरा जो व्यक्ति खुद खा लेता है तो वो तो फिर पाप को खा रहा है, वो अन्न को नहीं खा रहा, फिर वो भोगों को नहीं भोग रहा, भोग उस व्यक्ति को भोग रहे हैं। तो यहाँ पर अयोध्या नगरी में न अदाता, कोई भी ऐसा नहीं है जो दान ना करता हो, क्योंकि सबको समृद्धि चाहिए और समृद्धि चाहिए तो दान करो। आप कहीं भी करें, आप गाय के लिए दान करें, आप कहीं गरीबों के बच्चों के लिए दान करें, आप किसी के पास मकान नहीं है तो उनको मकान बनाने के लिए दे दें, किसी के पास वस्त्र नहीं है तो वस्त्र के लिए दे दें, आप किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में, कहीं गुरुकुल में, कहीं आश्रम में, जहाँ भी आपको ये लगता है कि मेरे पैसे का दुरुपयोग नहीं होने वाला, सदुपयोग होगा। आप किसी विद्यार्थी को अडॉप्ट कर सकते हैं, आप किसी रोगी को अडॉप्ट कर सकते हैं जिनको बचपन से ही बेचारे विकलांग हैं। तो कहीं भी, जहाँ कहीं आपकी श्रद्धा है, लेकिन आपको अपनी कमाई में से कम दशांश 10% जरूर निकालना चाहिए। तो ये हमारे सारे शास्त्र उसी की शिक्षा दे रहे हैं, रामायण भी उसी में से एक है। नामृष्ट भोजी ना दाता नापि अनंगद निष्कधृत, और कोई भी ऐसा नहीं है न अपि अनंगत निष्कधृत, कोई ऐसा नहीं है जो अपने मन को काबू में न रखने वाला हो, और कोई भी ऐसा नहीं है जो अनिष्कधृत कि जिसकी इंद्रियां उसके वश में ना हो। तो ये बहुत बड़ी बात है, माने सब संयमी हैं, सब दान देने वाले हैं, सब शुद्ध सात्विक आहार करने वाले हैं। न हस्ताभरण, कोई भी ऐसे नहीं है जिनके हाथों में आभूषण ना हो। हस्त आभरण, हस्ताभरण माने हाथ का आभूषण। तो एक तो हाथ के आभूषण हो गए कंकण आदि, अंगूठी आदि, बाजूबंद आदि, ये हाथ के आभूषण है, और दूसरा दान देना हाथ का आभूषण है। तो असली आभूषण तो वही है, हम जब दान देते हैं तो हमारे हाथ बड़े सुंदर हो जाते हैं। जब हम इन हाथों से किसी रोगी की सेवा करते हैं तो ये हाथों का बहुत बड़ा गहना है। जब हम इन हाथों से किसी गिरे हुए को उठा देते हैं तो ये हाथों का बहुत बड़ा गहना है। तो वहाँ पर सब कैसे हैं, कोई ऐसा नहीं है न हस्त आभरण, जिसके हाथ गहनों से ना सजे हुए हों।